अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा, तो वीयू का सेशन था समर के रिलेटेड क्वेरीज़ के बारे में। उसके आपको अंदाज़ा होगा कि जो जूम मीटिंग थी उसमें सिर्फ लिमिट थी 100 मेंबर्स की, तो 100 लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया लेकिन बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर सके। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो लोगों ने ज्वाइन किया था उसकी हमने एक रिकॉर्डिंग की जिसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे क्वेरीज़ जो थी वो सामने रखी और उनके जवाब भी दिए गए। उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मेरी इस वॉइस के बाद सुनने को मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई, जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चन जो नहीं ज्वाइन कर सके उनकी क्वेरीज रह गई। एक तो उसका सलूशन ये है कि रिकॉर्डिंग में भी ना अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट करेंगे अपनी क्वेरीज़ को, पूरा लिख के क्वेश्चन लिखे और आगे अपनी उर्दू में इंग्लिश में जैसे मर्जी पूरी क्वेरी लिखें, नीचे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई एक और सेशन होना चाहिए लेकिन वहाँ 100 की मीटिंग ये जो लिमिट है वो ना हो, तो वो भी कमेंट में लाजमी बताइएगा कब और किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि मैं सोच रहा था कि हमें एक ऐसा सेशन कर देना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ है वो सॉल्व की जा सकें, तो इसके बारे में कमेंट में लाजमी बताइएगा कि हमें कर लेना चाहिए कि नहीं या नहीं। मैं बहुत सेटिस्फाई था कि बहुत से स्टूडेंट्स को हम लोग इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई करते ही करते हैं, उनकी क्वेरी सॉल्व करते हैं, लेकिन ये था कि चलो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार के साथ या हाई अथॉरिटी ऑफिशियली आप उनके साथ रब्ता कर सकेंगे, लेकिन ये 100 वाली लिमिट ने वो सारी चीज़ें वो जो था कि सुकून था कि चलो स्टूडेंट्स की अब क्लैरिफिकेशन हो जाएगी वो नहीं रही। खैर, बहुत से सवाल फिर भी वहाँ पर हल हुए हैं तो वो आप सुन लें, लेकिन ये लाजमी बताइएगा कि हमें एक सेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और टाइम क्या होना चाहिए। देखिए, संडे लास्ट डे है तो हमें संडे से पहले करना पड़ेगा या संडे मॉर्निंग में करना पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट्स के मुताबिक अगर मॉर्निंग नहीं हम इवनिंग में करते हैं तो फिर सैटरडे पे लेके जाएंगे इनके, कल ही हमें करना चाहिए ताकि उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी सोच सकें कि उन्हें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ लाजमी बताइएगा और अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। कहीं पर भी आपको लगता है कि वो आपको समझ नहीं है उनकी बात की तो वो लाजमी नीचे मैसेज कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन या जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं अराइज़ किया गया उसका भी आप यहाँ पे नीचे क्वेश्चन क्वेरी पेस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको यहाँ भी दे देंगे। ये भी एक अच्छा मीडियम है, आपको कमेंट बॉक्स में ही उसके रिप्लाई मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि होने चाहिए कर वो सेशन तो उसके लिए फिर कर दीजिएगा आप कमेंट्स में हमें बता दीजिए। शुक्रिया। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ जो हम लोगों ने सेशन की थी। लेकिन कोई रेगुलर कोर्स समर के अंदर नहीं पढ़ा जाएगा। दूसरी बात यह है कि समर सेमेस्टर क्योंकि शॉर्ट सेमेस्टर है, इसका दौरानिया, इसकी ड्यूरेशन जो है वो नॉर्मल सेमेस्टर से तकरीबन आधी होती है, इसलिए इसके अंदर जो वर्क लोड है यानी जो कोर्सेज है उनकी तादाद कम है। यानी नॉर्मल केस स्टूडेंट दो कोर्सेस समर में पढ़ सकता है और उन दो कोर्सेस की क्रेडिट आवर्स जो है वो तकरीबन 6 से 8 हम कुछ केसेस में 9 क्रेडिट भी हो सकते हैं। ये समर सेमेस्टर का एक मुख्तसर सा तारुफ है। तो स्टूडेंट्स को ये देखना है कि उनकी स्कीम ऑफ स्टडी में कौन सी डेफिशिएंसी है, उनके ट्रांसक्रिप्ट में कौन से कोर्सेज मिस हो गए हैं और वो समर सेमेस्टर में रजिस्टर करके उन कोर्सेज को पढ़ लें, क्योंकि ये ड्यूरेशन कम है तो इसलिए इसमें वर्कलोड डबल होता है। यानी अगर रेगुलर हम ये समझे कि 3 क्रेडिट आवर के कोर्स को एक स्टूडेंट को हफ्ते में 3 घंटे पढ़ना होता है तो समर सेमेस्टर में उसे उसी कोर्स को 6 घंटे पढ़ना होता है। तो इस तरह वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से, डबल होने की वजह से हम नंबर ऑफ कोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बच्चों की यूनिवर्सिटी ने समर सेमेस्टर ओपन कर दिया है, वो तमाम स्टूडेंट्स जो समर सेमेस्टर पढ़ना चाहते हैं वो इसके अंदर कैलेंडर के मुताबिक रजिस्टर हो सकते हैं। ये कैलेंडर वेबसाइट पे अवेलेबल है और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे ऑफिस से यानी रजिस्ट्रार ऑफिस से या मार्केटिंग ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपके कुछ सवाल होंगे तो जरूर मैं उसका उनका जवाब दे। ओवर टू यू मैडम रोहिना। फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रदा खान से। वो कह रहे हैं कि आई हैव सेलेक्टेड ENG 5 to 5 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वन इज बट माय प्रोजेक्ट सब्जेक्ट ऑन माय LMS बट इट्स नॉट वर्किंग। समर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट में रजिस्टर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन हो सकती है वो नॉर्मल कोर्सेज की है। लैब कोर्सेज की भी हमें ये देखना होगा कि रजिस्ट्रेशन हो सकती है या नहीं, क्योंकि
लेकिन प्रोजेक्ट इस समर सेमेस्टर में नहीं हो सकता, वो आपको रेगुलर सेमेस्टर में ही करना होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एक्चुअली दे हैव लॉग्ड इन फ्रॉम सम लेनोवो लैपटॉप. तो कह रहे हैं कि हमें ये बताएं कि हम अपने डिग्री में कितनी दफा समर सेमेस्टर ज्वाइन कर सकते हैं. समर सेमेस्टर ज्वाइन करने पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने समर सेमेस्टर जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि समर के अंदर आप कोई डेफिशिएंसी कोर्स ही पढ़ेंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट की बार बार ऐसी डेफिशिएंसी आ रही है, तो जितने भी उसके स्टडी पीरियड के दौरान सेमेस्टर आए वो उसमें रजिस्टर हो सकता है। अनदर स्टूडेंट मिस्टर सुहेब ही सेइंग कि मेरा प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो उसको कैसे सिलेक्ट करूं, उसका ऑप्शन नहीं आ रहा. हमारे हमारी तरफ से लैब वर्क जो है उसको उसकी इजाजत दी गई है कि स्टूडेंट लैब वाले में कोर्स कर सकता है, लेकिन मुझे इसको जरा देखना पड़ेगा कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो ये कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि इसको हम देख लें कि बेहतर से कर। जी मैडम, आप हमें ईमेल कर दें PRO@VU.EDU.PK पे, क्योंकि आपकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं आ रही तो यू विल गेट द रिस्पॉन्स. देयर इज अनदर क्वेश्चन वेयर बाय स्टूडेंट इज आस्किंग दैट यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च समर सेमेस्टर, सो वुड देयर बी एनी विंटर सेमेस्टर एज वेल. फॉल एंड स्प्रिंग एंड समर, दीज आर द थ्री सेमेस्टर्स दैट वी हैव। फॉल एंड स्प्रिंग आर फुल फ्लेज्ड सेमेस्टर्स। कुछ जगह पर फॉल को विंटर भी कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसे फॉल जो अक्टूबर में शुरू होता है, स्प्रिंग जो फरवरी मार्च में शुरू होता है, और समर इन दोनों के दरमियान। थैंक्स सर, म्यूट कीजिएगा प्लीज। We have now controller examination, Mr. Faisal Tehsin Shah. So if you students have any question with respect to examination of the summer semester, so you can ask that. We are also having with us another person from the exam department, Mr. Zaheer, and public relation officer, Faisal Zia. So Faisal, you can take the live question from students. अच्छा, जो स्टूडेंट्स लाइव क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो अपने हैंड रेज कर लें, हैंड रेज की ऑप्शन आ रही होगी आपके पास। अच्छा, दो तीन सर और क्वेश्चन है जो हमने सोशल मीडिया से भी गैदर किए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सर पूछ रहे हैं कि असल में सर आपने लाइव टू आस्क अबाउट द गोल्ड मेडल पॉलिसी ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। सर आपको क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्चुअल यूनिवर्सिटी पॉलिसी अबाउट गोल्ड मेडल रिवॉर्ड, लाइक अगर कोई समर सेमेस्टर ऑप्ट करता है तो वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा गोल्ड मेडल। सकल सेमेस्टर वॉलेंटरी है, अगर इट्स नॉट कंपल्सरी तो इसके इट नॉट इफेक्ट योर गोल्ड मेडल पोजीशन। ठीक है, बट चलो जी, अगर ये फिजान आप अनम्यूट करें अपना माइक, अनम्यूट करें अपना, आपका जो क्वेश्चन है वो पूछे उसके सर. वो जी हो गया जी, फिजान आपका माइक अनम्यूट. सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने अभी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ना फोर्थ सेमेस्टर में हूँ मैं, तो मैंने अभी फाइनल एग्जाम दिए हैं. अभी मेरा एक पेपर जो है वो मिस हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो मैंने रीशेड्यूल करवाया है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मैं अभी उसमें फेल हो जाता हूँ तो मैं समर सेमेस्टर में उसको दोबारा ले सकता हूँ. उसकी जो डेट्स है उसके मुताबिक आपकी रजिस्ट्रेशन उस डेट तक हो सकती है। अगर वो डेट तो जाहिर है फिर उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन नहीं होती, लेकिन आप इसको बाद में अगले समय में अगले सेमेस्टर में ले सकते हैं। अगर आपने एग्जाम मिस कर लिया पहला और फिर आपको रजिस्टर करवा दें समय से, बिकॉज एग्जाम के बगैर तो आपका
क्या सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम समर सेमेस्टर ज्वाइन करते हैं, हमारे मार्क्स पहले से ज्यादा अच्छे आते हैं उस सब्जेक्ट में, तो हमारा सीजीपीए बढ़ेगा या नहीं? एंड देन अदर क्वेश्चन कि अगर हम इसका जवाब ये है कि बिल्कुल बढ़ेगा। जो आप कोर्स सुने बेटा, जो आप कोर्स रिपीट करते हैं ना, उसमें रिपीट करने के बाद जो ग्रेड बेहतर होता है वो आपके सीजीपीए में काउंट होता है। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कर दे प्लीज। जी, समर सेमेस्टर ज्वाइन करें तो हमारे रिपीट लिखा तो ना आएगा डिग्री पे? पूछिए अगला। रिपीट कीजिएगा प्लीज। बोलिए सर बोलिए। ऐसे होता है ना कि अगर हम जैसे सप्ली को देते हैं, सप्ली देते हैं 4 दिनों बाद, तो वो रिपीट लिखा आता है, जैसे हम समर सेमेस्टर ज्वाइन करेंगे तो हमारे उस पे डिग्री पे रिपीट लिखा तो ना आएगा? आप रिपीट करेंगे सिर्फ कुछ का रिपीट आएगा और किसी कोर्स का रिपीट नहीं आएगा। जी यूसुफ साहब, अपना माइक अनम्यूट सर अस्सलाम वालेकुम। कर सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग यही था कि जो पहले सिस्टर ने बात किया कि रिपीट लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें यूनिवर्सिटी में ये सिनेरियो चल रहा है कि रिपीट मार्क नहीं होता है। इंटरव्यू वगैरह के लिए जाता तो वो मार्क होता है, ये फिर ऑप्शनल होगा या इसमें कोई अमेंडमेंट की जाए, कुछ सजेस्ट के अमेंडमेंट की जाए ताकि उसमें रिपीट ना हो। वो स्टूडेंट जो भी हैं सर, वो यही चाह रहे हैं कि अपना ग्रेड इम्प्रूव करें, ना कि वो ये चाहेंगे कि हमारे ग्रेड्स के साथ रिपीट लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन समझ आ गया। समर सेमेस्टर में या किसी भी और सेमेस्टर में जब कोई स्टूडेंट कोई कोर्स रिपीट करता है तो वो रिपीट के तौर पे उसके ट्रांसक्रिप्ट में नजर आता है, पिछले कोर्स को डिलीट करके उसकी जगह रिप्लेस नहीं होता, क्योंकि वो कोर्स अगर किसी ने लेट्स सपोज स्प्रिंग 2023 में पढ़ा है और फिर वो फॉल 2024 में भी उसको पढ़ रहा है तो वो दोनों जगह रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जिसमें उसका ग्रेड बेहतर होगा वो उसके सीजीपीए में काउंट होगा और उसके क्रेडिट आज सिर्फ एक ही दफा काउंट हो गया, आपकी सीजीपीए कैलकुलेशन में 2 दफा काउंट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट लीजिए जी जी मिस मरियम बोलिएगा। सर सर, मेरी क्यूरी ये है कि मेरा जो है वो रिपीट वाला तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने चार एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, एक में 5 पढ़े हैं, तो मेरे कुछ पेंडिंग हैं, लेकिन मुझे कोर्स सिलेक्शन में ऑप्शन नहीं आ रही है, तो इज़ इट पॉसिबल कि अगर वो इनेबल कर दें तो मैं कवर कर लूं, क्योंकि मेरा स्लो चल रहा है, मेरा फिर 8 सेमेस्टर्स में फिनिश नहीं होगा बीएस। जी मैं इसको देख लेता हूँ। ये उसूली तौर पे आप ऐसा कोर्स पढ़ सकती हैं जो कि आपकी स्कीम ऑफ स्टडी का पिछला कोर्स था और एडवांस कोर्स नहीं है, तो आप उसको पढ़ सकती हैं। मैं इनसे बात करके इस ऑप्शन को ओपन करवा सकती हूँ। आप ईमेल भी कर देंगे, रजिस्ट्रार को भी कर देंगे और किसको करेंगे ईमेल, कोर्स सिलेक्शन में भी कर देंगे। दोनों में करते हैं, कोर्स सिलेक्शन और रजिस्ट्रार में। अच्छा सर, खान साहब आपसे एक क्वेश्चन है। नोमान साहब नहीं, हमारे सर ऑस्ट्रेलिया से हैं। ही इज आस्किंग के सर, आपने लास्ट टाइम एक ऑनलाइन सेशन मुनक्किद किया था, उसमें आपने प्रॉमिस किया था कि हम जो ओवरसीज स्टूडेंट है उनके फीस के बारे में निगोशिएशंस करेंगे, हायर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। तो अभी वो स्टूडेंट कह रहा है कि 2 लाख से अब एक सेमेस्टर की फीस है, तो इसके ऊपर कोई निगोशिएशन हो सकी है, कोई अपडेट है, तो प्लीज हमें जरा गाइड कर दें। सर सर आपका माइक म्यूट है, म्यूट है माइक आपका, म्यूट है। अगले आपका जो केस है ओवरसीज की ट्यूशन फी के हवाले से, ये हायर जो हमारी मैनेजमेंट अथॉरिटीज है उनको भिजवाया हुआ है, उसके भी मीटिंग नहीं हुई है। वो जैसे ही होगी उसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा उसके मुताबिक हम
उसको पब्लिश भी कर देंगे और अपना जो फीस स्ट्रक्चर है उसको अपडेट भी कर देंगे, लेकिन अभी तक के मुताबिक वो फीस वही है जो कि हमने 2017 से, उसमें कोई भी चेंज नहीं की, वो वही रेट्स एप्लीकेबल हैं जो कि 2017 से चल रहे हैं। उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ओवरसीज की रेट्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए। हाँ, उसका ये इम्पैक्ट आया है कि जो डॉलर का रेट बढ़ा है तो उसकी वजह से वो महसूस होता है, लेकिन ओवरसीज का रेट जो कि डॉलर में है वो 2017 से नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी रजा खान साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। आपके हाथ से अनम्यूट नहीं हो सकते इनका माइक? सर यहाँ से हो जाता है, लेकिन उनको कुछ भी करना है इस बार। जी शुएब साहब, शुएब हसन, शुएब समीर, शुएब जी, बोले। हसन साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और प्लीज अपना क्वेश्चन करिए। लेकिन हो गया माइक अनम्यूट, हो गया। आवाज नहीं आ रही है नहीं शुएब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगला जिन बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया वो अपना हैंड डाउन कर लेंगे एंट्री। अच्छा सर, मीन वाइल और क्वेश्चन लेते हैं। फैजान है, स्टूडेंट को पूछ रहे थे, मैंने फोर्थ सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम दिए बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, अगर इसमें कोई सब्जेक्ट दोबारा लेना चाहूं, इज इट पॉसिबल इन समर सेमेस्टर? ले सकते हैं, जी फैजान आप ले सकते हैं। जी सर, निम्रा मिस सिंधा, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। एक और सवाल है हमारे साथ, मिस्टर आरिफ हैं अकाउंट से। अकाउंट से रिलेटेड एक सवाल है एक बच्चे का कि माय प्रोजेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट हैज बीन अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड एंड वाइवा हैज बीन डन, बट इट इज शोइंग इन द समर सेमेस्टर एंड फी वाउचर विल बी जनरेटेड ऑन 13th अगस्त फॉर समर सेमेस्टर एंड आई एम वरीड मे बी क्रेडिट आवर्स फी फॉर फाइनल प्रोजेक्ट कोर्स विल बी इंक्लूडेड। अगर तो कोर्स सिलेक्शन की हुई है तो फिर तो आपको वाउचर जनरेट होगा, लेकिन आज लास्ट डेट कोर्स सिलेक्शन की, अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप कर दें। अच्छा सर, एक और स्टूडेंट है, वो पूछ रहे हैं कि अगर स्टूडेंट ने बीकॉम आईटी कंप्लीट किया हो और वो तो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहे, तो उसको फोर्थ सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, चार सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, या फिफ्थ सेमेस्टर में एनरोल हो सकता है? उसके 5 सेमेस्टर पढ़ना होंगे, एक डेफिशिएंसी सेमेस्टर है जो एजीसी कहती है कि जो 2 साल एनुअल डिग्री करके आते हैं उन्हें एक डेफिशिएंसी या ब्रिजिंग सेमेस्टर पहले पढ़ना होगा, फिर वो फिफ्थ सेमेस्टर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो 2.5 साल। इसमें एक और भी है कि आपके सारे कोर्सेज ट्रांसफर नहीं होते, जो आपके कोर्सेज जिसमें बी एंड अबव होता है सिर्फ वो ट्रांसफर होंगे, और बाकी कोर्सेज जो डेफिनेशन जो होंगे डिग्री में वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि ये रेगुलर सेमेस्टर की फी चालान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद है। आज सब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये रेगुलर सेमेस्टर की फी चालान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगा, मैं न्यू एडमिशन लिया है इससे कंफ्यूज हूँ, बीबीआईटी का फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स प्री सिलेक्टेड है, एडमिशन वाउचर के बारे में? जी एडमिशन वाउचर तो ये है कि जो आपने 500 का वाउचर अभी पे किया है, उसके बाद अभी आपको जब रजिस्ट्रार ऑफिस कंसर्न एडमिशन ऑफिस तक आपका जब वो फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर आपको एक एडमिशन ड्यूज का वाउचर आएगा 11,405 रुपए का। उसके अंदर एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और एक ट्यूशन फीस होगी एक कोर्स की। जब आप वो वाला वाउचर पे करेंगे तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म होगा, और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस के बाद और लास्ट डेट जो कोर्स सिलेक्शन की है फॉर फॉल 2024 वो जब खत्म हो जाएगी, क्लोज होने के बाद फिर एक सेमेस्टर वाउचर इशू होगा ट्यूशन फी का, वो वाउचर कन्वर्टेबल इनटू इंस्टॉलमेंट्स है और वो आप मंथली बेसिस पर पे करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है स्टूडेंट का, दे आर सेइंग कि एडिंग प्रैक्टिकल लैब कोर्स CS607P टू द लिस्ट ऑफ समर कोर्सेज ऑफर्ड ऑन पोर्टल, इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेट शीट इन द करंट फाइनल एग्जाम एंड दिस इज माय लास्ट सेमेस्टर ऑफ BScS, हाउ टू ऐड दिस कोर्स इन समर सेमेस्टर?
कोर्स को एंड ड्रॉप करके एक कोर्स ले लें और सदर में डॉक्टर हो रहा फिर बोले। अस्सलाम वालेकुम डियर सॉरी बेटा एक सेकंड, आप स्टूडेंट्स के लिए एक अनाउंसमेंट है, जिस जिसके क्वेरीज रिजॉल्व हो चुकी हैं प्लीज आप बाकी बच्चों को मौका दें कि वो अपने क्वेश्चंस कर सके। तो आप लोग बाकी लोग बेटा आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, हेलो सर, मुझे ये पूछना है कि मैं बीएड फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर, अभी मैंने इसके एग्जाम्स दिए हैं, इन केस अगर मेरा कोई ऐसा कोर्स है जो अभी रह जाता है खुदा ना खास्ता, तो क्या मैं उसको एनरोल कर सकती हूँ समर सेमेस्टर में? लेकिन सर जो अभी हमारा रिजल्ट आने में भी टाइम है और इसकी ड्यू डेट तो चली जाएगी एनरोल करने के लिए। इसको तो जो आपके पास ऑलरेडी रिजल्ट है उसी के बेस पे कर सकती है, और अगर अभी रिजल्ट नहीं है तो अगर उसकी डेडलाइन गुजर जाएगी तो फिर गुजर जाएगी। नाउ लेट्स टेल अस इन कमेंट सेक्शन इज वी शुड अरेंज अ लाइव सेशन फॉर स्टूडेंट्स और नॉट, एंड पेस्ट योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स, वी विल आंसर योर ऑल क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।